नमस्कार, आप देख रहे हैं आठ घट न्यूज, खबर मोतिहारी से है। पिछले दिनों कोरोना महामारी के समय में ऑक्सीजन की किल्लत और कालाबाजारी की वजह से कितनों ने अपनी जान गंवाई, कई परिवार उजर गए। हालांकि अब जाकर सरकार हरकत में आई है और यही वजह है कि पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी सदर अस्पताल में आज ऑक्सीजन प्लांट बैठाने को लेकर नींव रखी गई। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री व वर्तमान सांसद राधामोहन सिंह ने सदर अस्पताल में आज इसका विधिवत उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर सांसद के साथ बिहार सरकार के विधि मंत्री प्रमोद कुमार के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। प्लांट हर सिद्धि में था। कोरोना के संकट काल में उस प्लांट ने बड़ी भूमिका निभाई। ये आज जिसका हमने शिलान्यास किया है, अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाने का मोतिहारी में सेंक्शन हुआ। मैंने आग्रह किया था, डीएम साहब ने भी आग्रह किया था, और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है वो एमपी फंड से बनेगा, जिसका आज हमने शिलान्यास किया है। और लगता है कि 7-8 जुलाई को यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद स्थापित हो जाएगा और इस चंपारण के अंदर पहला सरकारी क्षेत्र में पहला ऑक्सीजन प्लांट होगा। और इसके पहले एक प्राइवेट था और इससे यहाँ हॉस्पिटल के अंदर रोगियों को शुद्ध ऑक्सीजन मिल सकेगा। ये 500 क्षमते का है और इसका बहुत बड़ा लाभ सदर अस्पताल को, जिले को प्राप्त होगा।